हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वैक्यूम क्लीनर का टायर इन्फ्लेटर की। मैंने जो लिया है, मेरे पास जो है वो है मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज में मैंने लिया था। वो एक वायर्ड वैक्यूम क्लीनर का टायर इन्फ्लेटर है, जिसका जो पॉइंट रहता है वो अपने नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट पे कार के लगता है। और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, मेरा एक्सपीरियंस कैसे था, 1 साल से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। तो ये है प्रोडक्ट अपना, वैक्यूम क्लीनर कम टायर इन्फ्लेटर। यहाँ पे आप बैज देख सकते हो, बैज इन देंस वो जैसे एक स्टिकर है मारुति सुजुकी जेन्युइन एक्सेसरी। यहाँ पे इन्होंने एक स्विच दिया हुआ है जो कि डिसाइड करेगा कौन से मोड पे हमको वर्क करना चाहिए। ये वैक्यूम क्लीनर का स्विच है। यहाँ पे VC दिखा है, मतलब वैक्यूम क्लीनर है। और ये अगर टायर में हवा भरनी है हमको, तो यहाँ पे नीचे हम इसको स्लाइड करेंगे, बीच में रहेगा तो ये बंद रहेगा। ये पार्ट जो है वो डिटैचेबल पार्ट है, और आगे वाला जो है वो एक उन्होंने अटैचमेंट दी हुई है। यहाँ पे नहर है, आप देख सकते हो। तो अगर बॉटम में हम जब भी साफ करेंगे, तब ये कोने में वगैरह भी जाके जो कचरा है वो निकाल सकता है। अभी इसकी केबल देखते हैं कैसी है। तो ये करीबन 3 मीटर की केबल है, जितनी यहाँ पे हम पॉइंट सपोज हम लगाते हैं नीचे, और जब ये चालू करते हैं तभी पिछले टायर तक भी जा सकता है। वैसे तो यहाँ पे भी इस क्रॉस में तो यहाँ पे भी एक पॉइंट है, और बूट में भी एक पॉइंट देके रखा है। तो आप कौन से भी टायर को और विद इन जो कार आपको कहीं पे भी एक्सेस करना है, वो इजीली एक्सेस आप कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा डिजिटल स्क्रीन दिया हमें दिया हुआ है। यहाँ पे टायर का जो करंट प्रेशर है वो हमें पता चलता है कितना है। टायर में जो हवा भरनी है उसका जो नोज़ल है वो यहाँ पे है, नीचे दिया हुआ है। लेट मी टेक इट आउट फॉर यू गाइस। ये देखो, ये नोज़ल है इसका और ये इसका क्लिप है। तो ये क्लिप क्यों दिया हुआ है, ये अपन अगर जब भी नीचे प्रेस करेंगे तभी वो हवा भरना चालू करेगा, जब भी अनलॉक करेंगे तभी हवा भरना रुकेगा। एक मेक श्योर करना है, जब भी हम हवा भरते हैं गाड़ी में टायर में, तभी पहले ये नोज़ल लगाना है पहले, और उसके बाद में ये चालू करना है, नहीं तो वो एयर पकड़ रहा है और एयर भरता नहीं है अंदर इसके लिए। अभी इसका टायर में हवा भर के तो मैं अभी नहीं दिखा सकता, लेकिन इसका वैक्यूम क्लीनिंग का परफॉर्मेंस और आवाज़ कितना है ये वो सब हम अभी देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके गाइस, तो ये अपना जो प्लग है वो इस सॉकेट में डालना है। अब देख पा रहे कि नहीं पता नहीं चला। लेट मी स्विच ऑन द लाइट। यहाँ पे एक्चुअली एक सॉकेट है, इसमें डालना है मुझे, इमीडिएटली चालू होगा क्योंकि गाड़ी अभी चालू है। ओके, ये ऑन हुआ। यहाँ पे LEDs दिख रहा है, ये देखो, और ये रेड कलर का LED यहाँ पे भी दिया हुआ है। अभी यहाँ पे बीच में है इसके लिए ये तुरंत चालू नहीं हुआ, जैसे मैं VC नहीं तो एयर करता हूँ ये चालू करेगा आवाज़ करना। यहाँ पे कुछ स्टफ है नीचे। तो ये हम थोड़ा सा कचरा जो है वो साफ करेंगे वैक्यूम क्लीनर से। लेट्स सी हाउ इट डज।
सो इट डज इट्स जॉब वेरी वेल. आपने आवाज़ से तो उसके और भी देखा रहेगा कैसा है उसका. सो या लेट्स टेक इट प्रीटी मच अपडेट. और यहाँ पे जो है कचरा यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, आपको ये निकाल के साफ करना रहता है. एडिशनल थिंग इज यहाँ पे आपको टॉर्च भी एक दी गई हुई है. सो अगर आप अंधेरे में कुछ काम कर रहे हो टायर में हवा भरने का, तो आपको थोड़ा सा लाइट का हेल्प मिलता है. सो या दैट्स इट. और ये एक इसका डिसएडवांटेज मतलब एक ये बोल सकते हैं कि ये वायरलेस नहीं है. मतलब ऐसे नहीं कि ये चार्ज करके बाद में हम उसका बैटरी में बैकअप वगैरह ले रहे हो और उसके बाद में यूज़ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ये. लेकिन ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. अभी तक मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो आया नहीं है. हालांकि यूज़ बहुत कम रहता है इसका, फिर भी अभी ये एक साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एलईडी में ये PSI करके है. तो ये हम टायर का जो प्रेशर रहता है ना एयर का, वो भी हमें यहाँ पे मिलता है. अभी ये करंटली कुछ हम किसी को अटैच नहीं किया, टायर में अटैच नहीं किया. ये नोज़ल इसके लिए 00 दिख रहा है. जैसे ही मैं अटैच करके देखूँगा ना, तभी मैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे टायर का करंट प्रेशर भी समझ सकता है. सो या दैट्स इट. इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल.